सब क्लियर करने वाला हूँ आपको, क्या ये 61,000 में फोन कैसा है, आपको इसको लेना चाहिए या फिर नहीं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो हमेशा की तरह लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और अगर चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। डिजाइन वाइज टेक्नो ने अपनी कैमन 20 सीरीज पे अच्छा काम किया, दिखने में डिवाइस मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है, बाकी हर यूज़र की अपनी प्रेफरेंस हो सकती है। और ब्लू कलर है मेरे पास, लेदर टाइप का टेक्सचर है, प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है, फ्रेम भी प्लास्टिक है, तो लाइट वेट है फ़ोन, 181 ग्राम के आसपास है, लेकिन इसकी जो इन एंड फील है ना वो काफ़ी पैसा वसूल टाइप की है। और अच्छी बात यह है कि बॉक्स में चार्जर और डेटा केबल के साथ साथ एक अच्छा सा प्रोटेक्टिव केस भी इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। इस फ़ोन को यूज़ करते हुए जो इसका मेन प्लस पॉइंट मुझे लगा ना डिज़ाइन के बाद, वो इसका डिस्प्ले है। 6.67 इंच का ये एक एमोलेड पैनल है, कैमन 20 में एमोलेड 60 हर्ट्ज था, यहाँ पे प्रो वेरिएंट ने इन्होंने 120 हर्ट्ज कर दिया, तो चलने में स्वाइपिंग स्क्रॉलिंग एकदम मक्खन स्मूथ एक्सपीरियंस है, कहीं पे भी मैंने इस फोन को अटकता हुआ नहीं देखा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। बिंदी वाला पंच होल काफ़ी छोटा सा है, बेजल्स को और चेन को बहुत अच्छा मेंटेन किया टेक्नो ने, मतलब डिस्प्ले को देखने का जो एक्सपीरियंस है ना एक प्रीमियम फील देता है ये डिस्प्ले वाली साइड से। कंटेंट वगैरह देखते हो आप, वीडियोस देखते हो तो डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, डिस्प्ले के कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, HDR का सपोर्ट नहीं है लेकिन वाइडबैंड L1 का सपोर्ट है, तो नेटफ्लिक्स या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म आप फुल HD में स्ट्रीम कर पाओगे। साउंड क्वालिटी की मैं काइंड ऑफ एवरेज ही रेट करूंगा, मतलब मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगी। एक हाइब्रिड स्टीरियो सेटअप है, इसमें 70% आवाज़ नीचे से आती है क्योंकि मेन स्पीकर इसका नीचे वाली साइड पे होता है, और साउंड में जो बेस टाइप का इफेक्ट है वो भी इस तरह नहीं है, बट हाँ लाउडनेस इसकी गुजारा कर सकती है। और अगर आप फुल ओपन वॉल्यूम पे कोई कंटेंट देख रहे हो या कोई म्यूजिक सुन रहे हो तो इसकी बैक जो है ना बैक साइड से थोड़ी सी ना वाइब्रेट होती है, ज़्यादा टाइम के लिए देखोगे तो फिर थोड़ा सा ना सुन वाला जो इफेक्ट है वो थोड़ा फील होता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि कोई भी कॉस्ट कटिंग करके साइड पे नहीं एडजस्ट किया, डिस्प्ले में दिया और काफ़ी रिस्पॉन्सिव और काफ़ी फास्ट है। उसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, वो ऑलवेज वाला नहीं है, कोई 6-10 सेकंड का जो होता है वही आपको मिलता है इसके ऊपर। और डिस्प्ले पे जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है ना, जो इन्होंने हैप्टिक्स के लिए मोटर लगाई है वो वाइब्रेशन नॉर्मल वाली है, प्रीमियम वाला जो होता है ना ठक ठक वाला वो नहीं है इसमें। परफॉर्मेंस की तरफ आता हूँ, हीलियो G99 का चिपसेट है इस फोन के अंदर, इसके जो बेंचमार्क स्कोर्स हैं वो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। अब देखो, इससे पहले जो नॉन प्रो वेरिएंट था उसमें हीलियो G85 लगाया था 55,000 या 54,000 के प्राइस में, वो ब्लंडर था टेक्नो की तरफ से, अंडर पावर्ड हार्डवेयर था। बट बॉक्स पैक की कैटेगरी में 61,000 पे जो G99 है ये चीज़ों को कुछ हद तक जस्टिफाई करता हुआ नजर आता है। डे टू डे यूज़ के नॉर्मल टास्क, उससे हैवी टास्क भी अगर आप करते हो तो अच्छे से परफॉर्म करवाता है ये फ़ोन, कहीं पे भी अटकता नहीं है। लाइक इसका जो 120 हर्ट्ज़ का हायर रिफ्रेश रेट है उसको भी हार्डवेयर अच्छा मैनेज करता है, मतलब कोई भी ज़्यादा जिटर्स वगैरह मैंने नोटिस नहीं किए। 8GB रैम है इसके अंदर, जो लॉलीपॉप वाली रैम है उसको साइड पे कर दो, उसका कोई फायदा नहीं है, जो मेन रैम है वो मल्टीटास्किंग अच्छा करवा देती है। स्टोरेज 256GB है, बड़ा नंबर है, और UFS 2.2 वाली है तो स्टोरेज की स्पीड्स भी अच्छी हैं। बाकी ये जो G99 का चिपसेट है ये एक प्रॉपर कोई गेमिंग हार्डवेयर नहीं है, लेकिन बॉक्स पैक कैटेगरी में मोस्टली इस कैटेगरी में इसी टाइप का हार्डवेयर यूज़ किया जा रहा है, तो यस ठीक है, कैजुअल सी गेमिंग आप करना चाहते हो तो वो अच्छी आपको करवा देगा। लाइक मैंने 2-3 गेम्स खेली हैं इस पर, पबजी के लिए स्मूथ बैलेंस विद अल्ट्रा 40 FPS तक जाते हैं उसके ग्राफिक्स, फायर कनेक्टिविटी, जायरो मूवमेंट्स भी अच्छी हैं बिकॉज इसमें हार्डवेयर वाला जायरो है, तो अगर आप कैजुअली कभी कभार गेम खेलना चाहते हो तो एक अच्छा सा और डिसेंट सा गेम प्ले वहाँ पे भी करवा देती है। और उसके अलावा मैंने एक रियल क्रिकेट 2022 खेली है, वो अल्ट्रा ग्राफिक्स के ऊपर भी इसका जो G99 चिपसेट है ना उसको काफ़ी हद तक बेटर हैंडल कर लेता उस गेम को, तो वो गेम भी अच्छा चल जाती है। उसके अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी खेली है मीडियम ग्राफिक विद हाई फ्रेम रेट के साथ, एक अच्छा गेम प्ले वहाँ पे भी निकल आता है। और अगर आप थोड़ा सा हैवी गेमिंग इसके ऊपर कर रहे हो ना तो फ़ोन ओवरहीट नहीं करता, लाइक हाँ गर्मियाँ चल रही हैं थोड़ा बहुत वार्म हो जाता है 40-41 डिग्री के आसपास, लेकिन ओवरहीटिंग का इशू नहीं है इसमें। और मेरे यूज़ में मुझे इसकी जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी बेटर लगी है, लाइक मैंने इसको 120 हर्ट्ज़ पे रख के कंसिस्टेंट यूज़ किया है। मॉडर्न टाइप का यूज़ है, मैं हॉटस्पॉट भी यूज़ करता हूँ, डेटा कनेक्शन भी, डाउनलोडिंग, मतलब थोड़े हैवी टास्क भी चल रहे होते हैं मेरे, तो स्टिल एक दिन का बैटरी बैकअप मुझे इस फोन के ऊपर मिल रहा था। और अगर आप कोई ऐसे यूज़र हो जो 60 हर्ट्ज़ पे इसको यूज़ करेगा या फिर इसको ऑटो स्विच पे रखेगा रिफ्रेश रेट को, लाइट टाइप का यूज है थोड़ा सा, तो फिर ये 1.5 दिन तक भी जा सकता है इसका बैटरी बैकअप। और 33 वाट का इसके अंदर चार्जिंग स्पोर्ट है, 90 मिनट में ये 93% तक चार्ज करता है, और 1.5 घंटे से थोड़ा ऊपर लेता है तो ये 100% होता है, तो चार्जिंग का नंबर अगर थोड़ा सा और ऊपर कर लेते तो ज्यादा बेटर होता है, बट 33 वाट भी ठीक गुजारा कर सकता है। थे कैमरास की तरफ आता हूँ, बैक पे आपको 2 सेंसर नजर आ रहे हैं, काम का एक सेंसर है 64 मेगापिक्सल है, 2 नीचे रेलो कट्टा ही लगाए हैं, हालांकि इस प्राइस कैटेगरी में कोई अल्ट्रा वाइड या टेलीफोटो टाइप सेंसर इनको इंक्लूड करना चाहिए था। खैर जो मेन सेंसर है, डे टाइम के ऊपर अगर आप फोटोज़ लेते हो तो काइंड ऑफ डिसेंट फोटोग्राफी आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि टेक्नो अपनी कैमन सीरीज के कैमराज के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस करता है,
तो HDR जो मोड है इसका वो ऑटो पे है। समटाइम ऐसा है जो कुछ सिचुएशन में HDR को काम करना चाहिए लेकिन वो मिस कर जाता है क्योंकि परमानेंट नहीं उसको कर सकते, ऑटो पे चलता है वो। लेकिन जब वो चलता है सिचुएशन को, लाइट को अच्छा कंट्रोल कर लेता है, जो डिटेल्स हैं फोटो के अंदर अच्छी रहती हैं और डायनेमिक रेंज भी इसके कैमरा की अच्छी है। इन शॉर्ट अगर आप डे टाइम के ऊपर इसकी फोटोज लेते हो तो अच्छी फोटोज हैं, स्किन टोन्स भी अच्छी मैनेज करता है, पोर्ट्रेट्स भी इसके बैक साइड से मतलब अच्छे हैं, ब्लर हो एज डिटेक्शन वगैरह कोई इश्यूज नहीं है वहाँ पे। और इनडोर लो लाइट में भी मैंने इसके कैमरा को ट्राई किया है, वहाँ पे भी ये अच्छी डिटेल्स मुझे कैप्चर करता हुआ नजर आया। फोटोज को ज्यादा सॉफ्ट नहीं करा था, मुझे काइंड ऑफ डिसेंट डिटेल्स फोटो में मिल रही थी। और रात के टाइम इसको आउटडोर में मैंने यूज़ किया नाइट टाइम के ऊपर, तो यस जो नाइट मोड है ना इसका वो डिटेल्स को रिस्टोर भी करता है, एक्सपोजर को थोड़ा सा बेटर भी करता है, लाइट को भी कंट्रोल कर लेता है। तो रात के टाइम पे भी जो इसके कैमराज है ना वो काफ़ी यूजेबल लगे हैं मुझे। वीडियोग्राफी जो बैक साइड से है मैक्सिमम 2K तक करता है, 1080p 60fps का भी ऑप्शन अवेलेबल है, बट जो स्टेबल मोड है ना इसका वो 1080p 30fps के ऊपर काम करता है। और वीडियोग्राफी से मैं कोई ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो मैंने कैमन 20 में भी आपको कहा था कि वीडियोग्राफी के लिए फ़ोन नहीं है क्योंकि उसमें स्टेबलाइजेशन ही नहीं थी, इसमें स्टेबलाइजेशन रखी है। लेकिन फोटोज़ में जो एक्सपोजर कंट्रोल है, जो डिटेल्स है ना, जो थोड़ी मतलब दुनिया थोड़ी बहुत हिलती रहती है, और जो स्टेबल मोड है उस पर भी FPS थोड़े स्किप करता है फ्रेम्स को, तो यस वीडियोग्राफी से मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस फोन की। और हाँ, फ्रंट पे जो इसका 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है उसने अगेन मुझे इम्प्रेस किया अपनी डिटेल से, अच्छा काम करता है। अगर आप डे लाइट में भी उसको कैप्चर करते हो तो स्किन टोन्स भी अच्छी हैं, और मैंने हर तरह के ब्यूटी इफेक्ट ऑफ किया हुआ था, और पोर्ट्रेट्स में जो एज डिटेक्शन है हल्की फुल्की कहीं पे हिट एंड मिस करता है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी जो है ना जिसको कहते हैं आई प्लीजिंग टाइप की फोटोज़ वो आपको निकाल के दे देता है। मतलब इसका जो कैमरा है फ्रंट साइड से भी फोटोग्राफी के लिए काफ़ी डिसेंट है। मैंने इवन इसको इंडोर लो लाइट में भी ट्राई किया और वहाँ पे भी इसने मुझे काइंड ऑफ रिस्पेक्टेबल डिटेल्स प्रोवाइड की हैं। और आउटडोर में भी मैंने इसको जो होता है ना नाइट टाइम के ऊपर जहाँ पे थोड़ी एक्सट्रीम लो लाइट होती है, इवन वहाँ पे भी इसके कैमरा ने अच्छा परफॉर्म किया है। फ्रंट वीडियोग्राफी में ये 2K तक मैक्सिमम जाता है, 1080p 30fps का ऑप्शन है, उसके अलावा 60fps नहीं है। फ्रंट साइड पे वीडियोस आप देख सकते हो 2K पे थोड़ी सी मतलब डिटेल्स तो ठीक है वीडियोस में, बट थोड़ी थोड़ी दुनिया हिल रही है। और जो अपना 1080p है उसमें अगर आप थोड़ा स्टडी मोड यूज़ करते हो, क्रॉप सेंसर यूज़ करता है, तो हाँ गुजारा माफिक वीडियोग्राफी फ्रंट साइड से आप कैप्चर कर सकते हो। बॉक्सपैक फोन की कैटेगरी के हिसाब से इस फोन के कैमरा फॉर द प्राइस सेगमेंट फोटोग्राफी के लिए काफी डिसेंट है, वीडियोग्राफी के लिए इनको मैं एवरेज रेट करूंगा। नेटवर्क रिसेप्शन इस फोन को जहाँ पे जिस एरिया में मैंने यूज किया वहाँ पे तो ठीक था इसका, वहाँ पे कोई इश्यूज नहीं थे। जो कॉल क्वालिटी है वो ओवरऑल तो मैं बेहतरी रेट करूंगा, बट टेक्नो वाले जो डंडी मारते हैं ना ये मारते हैं जो सेकंड नॉइस कैंसलेशन माइक है वो ये नहीं देते। उससे ये होता है कि जिस जगह पे आप कॉल कर रहे हो अगर सराउंडिंग में कोई नॉइस है तो वो कैंसिल नहीं होता, अगले बंदे को वो सुनाई देता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं टेक्नो को इनको देखना चाहिए, सेकंड नॉइस कैंसलेशन जो माइक है ना वो इनको देना चाहिए लाजमी। उसके अलावा जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो अच्छी बात है कि टेक्नो का अपना डायलर है, चुपके वाली हो जाती है इसमें। और 4G जो प्लस है उसका सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, 4G LTE के ऊपर जो स्पीड है काफ़ी रीजनेबल आ जाती है। और उसके अलावा वॉइस ओवर LTE VoLTE का भी सपोर्ट इसके अंदर अवेलेबल है, वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट इसके अंदर अवेलेबल है, NFC का भी सपोर्ट इसके अंदर अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर इस फोन में एंड्रॉयड 13 है, बेस्ड ऑन टेक्नो की अपनी UI होती है और थर्ड पार्टी का इतना ब्लॉटवेयर नहीं है, इक्का दुक्का सोशल ऐप्स मैंने देखी हैं, बाकी इनका अपना फर्स्ट पार्टी जो ब्लॉटवेयर है वो काफ़ी भर के देते हैं। और देखो मोस्टली 60-65 हज़ार रुपये का जो यूज़र है जिसने गूगल पिक्सल, वन प्लस, रियल मी, ओप्पो, वीवो टाइप के फ़ोन्स की UI को यूज़ किया हुआ ना, उसके लिए टेक्नो की UI पे एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी ना मतलब फील आती है यार मैं कितने आ गए हैं। लेकिन ये है कि जब ऑप्शन ही ये है, दूसरे ब्रांड सस्ते नशे में फिर रहे हैं तो गुजारा तो करना पड़ेगा ना आपको। बाकी ये है कि अपडेट्स वाली साइड पर ये टेक्नो या इन्फिनिक्स वगैरह बहुत स्लो रहते हैं, मे बी एक मेजर जो अपडेट है एंड्रॉयड की वो ये पुश कर देंगे। तो देखो जो मेरा ओवरऑल ओपिनियन है ना कैमन 20 प्रो के बारे में, आज की मार्केट में जिस तरह की मतलब अनस्टेबल चल रही है सिचुएशन, डॉलर प्राइस हाइक है, डेली बेस पे बढ़ रही हैं प्राइसेस, तो 61,000 में ये फ़ोन अपने फीचर्स के साथ काफ़ी अच्छी सेंस बनाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बट कल को अगर कोई 5-6-7 हज़ार रुपया कंपनी प्राइस इंक्रीज कर देती है तो फिर मे बी मेरा जो ओपिनियन है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। जो दूसरे बॉक्स पैक फ़ोन मैंने इस कैटेगरी में रिव्यू किए हैं, रेडमी नोट 12, इन्फिनिक्स नोट 30 या इसी का जो छोटा भाई है कैमन 20, उनमें कॉन्स थोड़े से ज़्यादा लगे मुझे, इसलिए मैंने उनको रिकमेंड नहीं किया उन फोन्स को। तो यस ये फ़ोन मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इसमें कोई ऐसा मेजर कॉन नज़र नहीं आया। लेकिन देखो अगर आपको एक फुल फ्लेज कैमरा फ़ोन चाहिए ना जिसमें फोटोग्राफी के साथ वीडियोग्राफी भी टॉप लेवल की हो तो फिर ये फ़ोन आपके लिए नहीं है। लाइक ये फोटोग्राफी अच्छी बनाता है, वीडियोज़ एवरेज बनाता है,
उसके अलावा अगर आपको 60 FPS टाइप की ज़रा हार्ड कोर गेमिंग चाहिए फिर भी ये फ़ोन आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको बॉक्स पैक फ़ोन चाहिए, ड्यूल सिम चलानी है, स्टाइलिश हो, फीचर अच्छे हो, कैजुअल टाइप का आपका यूज़ है, तो फिर ये फ़ोन आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा लेना, फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह।